How are you all? I think all are safe at your home. Students, as you know, we are discussing the chemical properties of metals of chapter number 3, and we have discussed the three chemical properties of the metals. Now we come to the fourth chemical property of the metal, that is what? A reaction with acids. कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन? सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, एक्चुअली एसिड प्रेजेंट्स इन द डाइल्यूट फॉर्म बिकॉज वी डिसोल्व द एसिड इन द सॉल्यूशन इन द वाटर, दे रिलीज एच पॉजिटिव आयंस एंड एक्ट और बिहेव लाइक एन एसिड. सो द रिएक्ट दे अंडरगो द रिएक्शन एंड दे फॉर्म व्हाट? मेटल सॉल्ट with the release of hydrogen gas. Let's see the example. Suppose we have a sodium metal and we react it with what? HCl, hydrochloric acid. It react to form what? क्या बनेगा? It react to form NaCl and H2 gas is released. If we balance the reaction like this, it get balanced. Similarly, if we react to like suppose magnesium and if we react it with sulfuric acid, dilute form ke andar, it will form magnesium sulfate with the release of hydrogen gas. I think this is balanced, yes. So there are various acids like HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid. You can react with these acids. Generally, all the metals react to form the metal salt and hydrogen. आप करते जाएंगे, you react with potassium, you react calcium, you will observe the release of hydrogen gas, है ना? लेकिन जो मेटल, आपको एक्टिविटी सीरीज याद है जो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखती हुई आई हूँ? हाइड्रोजन से ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, सभी मेटल्स दे आर अबव हाइड्रोजन. दैट मींस दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन. ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लगा. बट द मेटल्स विच लाइज बिलो द हाइड्रोजन लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, they are not more reactive than hydrogen, so they are not able to displace the hydrogen from the acid, and the reaction does not take place. Clear? अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, तभी वो बात समझ में आएगी कि लो रिएक्टिव मेटल्स के साथ विच द मेटल्स विच लाइक बिलो द हाइड्रोजन दे आर नॉट एबल टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस और द रिएक्शन डज नॉट अकर. जो मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एज वी नो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. सोडियम लूज करेगा, Na पॉजिटिव विल बी फॉर्म विद द लूज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना? HCl, HCl में HCl विल रिलीज द H पॉजिटिव आयन, है ना? बहुत ध्यान से समझना, एसिड से HCl से H पॉजिटिव आयन आएगा, है ना? और जो सोडियम है एक मेटल है और मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, दैट मींस दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव आयंस जो एसिड से आए, दे विल एक्सेप्ट, दे विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन एटम, दे गेट रिड्यूस्ड. सिमिलरली ऐसा नहीं है एक ही सोडियम आयन है, ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते रहेंगे, सोडियम आयन बनते रहेंगे. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेप्टेड बाय द एच पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम द एसिड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दीज हाइड्रोजन एटम गेट कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस. क्लियर? सिंपल सी एक बात है, यदि ये मेटल सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कहां से करेगा, और एच पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करता तो एच एटम और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती. तो ओवरऑल बात समझ में ये आई कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव.
दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्लियर। और जो हाइड्रोजन से बिलो लाइक करते हैं लाइक कॉपर, इफ यू वांट टू रिएक्ट इट विद HCl द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, नॉट एबल टू डिस्प्लेस। कॉपर में और हाइड्रोजन में, दोनों में, क्योंकि हाइड्रोजन बिहेव लाइक बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यहां पर जो है मैग्नीशियम सोडियम है दे आर मोर रिएक्टिव, दे एक्ट लाइक द मेटल एंड हाइड्रोजन एक्ट लाइक द नॉन मेटल, बट इन दोनों में कंपेयर करें तो हेयर हाइड्रोजन एक्ट एज ए मेटल एंड कॉपर, क्योंकि दोनों में से हाइड्रोजन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, क्लियर। लेकिन अब बात आती है, मैंने HCl के साथ रिएक्शन कर दी, मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दी, नाउ द एक बात माइंड में आती है, एसिड होता है जिसका नाम आपने सुना होगा नाइट्रिक एसिड, इफ यू रिएक्ट द मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती बट वॉटर इज फॉर्म्ड, पानी बन जाता है, रिएक्शन सेम होती है पानी बन जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ये नाइट्रिक एसिड है इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हुआ, HNO3 के साथ जैसे ही सपोज आपने किसी मेटल को रिएक्ट किया तो क्या होगा, उस मेटल ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तुरंत, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से इट विल ऑक्सीडाइज दैट डिस्प्लेस हाइड्रोजन इनटू द वाटर और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। सो व्हेन यू रिएक्ट एनी ऑफ द मेटल विद द नाइट्रिक एसिड द हाइड्रोजन गैस डज नॉट रिलीज, इंस्टेड ऑफ दैट वाटर इज फॉर्म्ड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Let us understand with the help of an example. If we react the zinc with nitric acid, HNO3, है ना? Generally हमारे mind में क्या आता है, क्या बनेगा? Zinc hydrogen को displace कर देगा, zinc nitrate and hydrogen atom get displaced, है ना? तो जो zinc ने इस hydrogen को displace किया तो ये जो डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन है इमीडिएटली नाइट्रिक एसिड इस डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल ऑक्सीडाइज दिस हाइड्रोजन इनटू द वाटर और ये नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे हम रिएक्शन को। इस पूरी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट व्हाट, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, व्हाट वी गेट, जिंक, ओवरऑल रिएक्शन इज जिंक विद द नाइट्रिक एसिड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2। सो व्हाट वी गेट, सभी रिएक्शन में हम सिर्फ क्या देख रहे थे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, बट इन दिस व्हाट, व्हेन वी रिएक्ट द जिंक विद द नाइट्रिक एसिड ए सोल्ट इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन की जगह क्या बना, पानी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया इसके अंदर, क्लियर। लेकिन दो एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, दो एक्सेप्शन है, मैंगनीज Mn एंड मैग्नीशियम Mg, ये ऐसे दो मेटल हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, दीज आर द एक्सेप्शंस, है ना, Mn, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। इस तरह से क्वेश्चन MCQ में भी है आपके एनसीआरटी एग्जाम्पलर में भी, और ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से दो मेटल है विच रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, दीज आर मैग्नीज
मैंगनीज Mn जिसका एटॉमिक नंबर 25 है एंड दिस इज मैग्नीशियम Mg. सो दीज आर द टू मेटल्स विच रिएक्ट टू फॉर्म द विद द नाइट्रिक एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विद द एसिड. जनरली फॉर्म द सॉल्ट रिलीज हाइड्रोजन गैस. Because why they release hydrogen gas? Because metal are electropositive, they have the tendency to lose. जो metal electron lose करेगा H positive acid का उसको accept करके release in the form of hydrogen gas. जो atom, जो element hydrogen से ऊपर है they will undergo the reaction, but the metals which lies below the hydrogen they does not undergo the reaction with the acid to release hydrogen. And metal with the nitric acid, they does not release hydrogen gas except Mn and Mg. But most of the metal, they form the what? Water instead of hydrogen. A very short topic that is related to this is what? Aquaresia. Suna hoga apne aquaresia ka naam. Kya hai? Ye bhi ek mixture hai. Ek solution hai. जो हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं उनको क्लीन करने में ये काम आता है एक्वारीजिया. इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl विद द कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1 by volume. Aquaresia is a solution, is a mixture जिसके अंदर हमारे पास दो एसिड का मिक्सचर है. कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट दो टर्म है. कंसेंट्रेटेड में जिसमें जो हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो ज्यादा रहती है रेस्पेक्टिव ने पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. 3:1 सपोज 100 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 75 ml HCl एंड 25 ml क्या होगा हमारे पास HNO3 होगा बाई वॉल्यूम. दैट रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नोन एज एक्वारीजिया है ना. एंड दिस सोल्यूशन इज जनरली यूज टू क्लीन द ऑर्नामेंट्स लाइक गोल्ड प्लेटिनम इनको क्लीन करने के लिए. जैसे उनकी शाइन उनकी थोड़ी सी डल अपीरियंस हो जाती है. कोई भी डर्टी पार्टिकल्स है दे विल डिपॉजिट ऑन दीज ऑर्नामेंट्स टू मेक दैम क्लीन. वी डिप इन टू द एक्वारीजिया सोल्यूशन उस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है. क्लियर. जैसे आपने पहले गांव में देखा होगा कि आते थे जो आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं चेन है इनको साफ करने के लिए बोलते थे तो क्या करते थे. बट एक बात ध्यान रखना बहुत लंबे टाइम तक हम इसको डिप करके रखेंगे तो दैट जो गोल्ड है इज सोल्यूबल इन एक्वारीजिया. दीज गोल्ड प्लेटिनम दीज मेटल्स आर सोल्यूबल इन एक्वारीजिया. तो दे गेट डिजोल्ड एंड डिजोल्ड इफ यू पुट दीज ऑर्नामेंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन टू दैट और वो एक्वारीजिया सोल्यूशन में चले जाने वाला है. तो ये बात आप ध्यान रखें. विद दिस वी विल एंड दिस सेशन और एंड दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी कम विद द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. ओके स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक द प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज ऑफ योर क्वेश्चन ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. थैंक यू.